एक छोटे प्लॉट में 5 गुंठे में 3 गुनी भर गई, लालच बढ़ गई। तो बोले कि नहीं, हम पूरे खेत में मूँगफली लगाएंगे। तो पूरे खेत में नारियल के साथ मूँगफली लगा दी, तो चावल तो कम आया था और गर्मी में मूँगफली लगा देंगे, अब बारिश पे लगा देंगे। तो मूँगफली लगाने के बाद ये हुआ कि दुनिया भर के चूहे उनके मेहमानों को बुला बुला के, इतने चूहे आ गए कि चूहों के मेरे को 3 किलो मूँगफली भी वापस नहीं आई और मेरे 40 नारियल के झाड़ चूहों ने खा लिए। और तभी हमारे यहाँ पे रास्ता नहीं था, बिजली नहीं थी और सब झाड़ हाथ से पानी डाल के बोरिंग की थी, लेकिन बोरिंग को बिजली नहीं थी। तो हमारे यहाँ पे रास्ता और बिजली 94 में आ गए, तो 4 साल हम बिना पानी, बिना बिजली, बिना रास्ता बहुत अच्छी तरह से जी रहे थे, मज़ा आता था। और धीरे धीरे सीखते गए, ये नहीं करना है मालूम पड़ गया, फिर कैसे करेंगे करते करते फिर नेचर, इकोसिस्टम और खेती दोनों एक साथ करने। तो इकोसिस्टम भी बढ़ानी है क्योंकि कुदरत में जो जो है वो सब हमारे खेत में होना चाहिए। देखिए आपको दिखता होगा ये जो जहाँ पे पत्ते नहीं है वहाँ पे अर्थवर्म नहीं बढ़े, सूरज की रोशनी और बारिश की बूंद। अभी जहाँ पे पत्ते है उसको प्रोटेक्शन है ऊपर से, वहाँ पे अर्थवर्म बढ़े। तो ये जो सब है ये उनके वो अर्थवर्म की कास्ट है। करेक्ट करेक्ट। और ये जब सूखती है तो ये पोरासिटी वैसी ही रहती है और वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। तो बारिश के अंदर, बारिश के पहला 20-15 दिन तक तो वैसे के वैसे रहते, बारिश के ज़मीन में पूरा जाता है नहीं। और ये बह जाने का संभावना कम हो जाती है क्योंकि एक दूसरे को बाइंडिंग है, तो सॉइल इरोजन कंट्रोल हो जाता है। तो फिर कुछ सालों के बाद बाजू वाला बेचने को आया, फिर रोली, फिर बाजू वाला बेचने को आया। तो इसमें से 2 चीज़ें हो गई, एक तो मेरी जो मैंने प्लानिंग किया था कोकोनट का, तो दूसरे प्लॉट में और क्या करेंगे तो दूसरा कुछ किया, और यहाँ जो गलती हुई थी वो वहाँ पे वो निकाल दी, नई गलती की। फिर उसके बाद में बाजू वाला आया, ऐसे करते करते हमारे 3 बार यानी टोटल 4 बार हमने जगह बाजू वाले के लिए, तो 3 बार गलती सुधारने का मुझे मौका मिला और हर बार उसमें से एक नया कुछ, अरे ये भी करेंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अभी की तो कंडीशन ऐसी है कि लास्ट हमने ज़मीन ली 2014 में, तो अभी तो यहाँ पे इतने भाव है कि हम गलती करने का मौका ही नहीं है और नया जगह ले नहीं सकते। तो फिर इसमें अभी फेज हो गए थे उसके, तो पहला फेज में हो गया नारियल और उसके साथ सब फसलें, नारियल के साथ चावल लगाओ, केला लगाओ, सब्जियाँ लगाओ। जब तक नारियल बढ़ा नहीं तब तक हम 3-4 साल नीचे करते गए और जिससे ज़मीन की उर्वरकता बढ़ती गई, वो गांव के गोबर ला रहे थे, हमारा गोबर था और सीख रहे थे। बड़ी राजा करके एक मैगजीन था, आज भी है, उसमें से उस वक्त बहुत ही बढ़िया लोग वहाँ पे लिखते थे और उनका अनुभव, और वो अनुभव से कुछ मिलने के बाद, प्रयास करने के बाद उसका रिजल्ट। तो इतने अच्छे अच्छे लोगों ने बताया, अच्छे अच्छे लोगों ने सिखाया, अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ा और उसका एक्सपीरियंस किया करके, तो उससे रिज़ल्ट आने लगे और हमें हमारे खेत से पहले ऐसा सोचा था कि 5 साल में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे क्योंकि सब किताबी था। तो 7 साल में हमारा अच्छा सब हो गया, तो हम यहाँ से घर वापस लेके जाने लगे और वो बेच के पैसा भी करने लगे। जैसे कि अभी हल्दी, हल्दी के साथ और कुछ फसलें लगे होंगे, अभी लगाएंगे और अभी हल्दी और जिमीकंद है, उसके साथ में हमने बैंगन लगा दिया है, फिर इस तरफ मूंग आ जाएगा बारिश रुकेगी तो, और यहाँ पे बिना टिलिंग का काम हो जाएगा। और ये जो है स्मॉल बुशेस जैसे ट्री होंगे वो, और यहाँ पे है क्लाइंबर, क्लाइंबर वेजिटेबल। अभी ये जो है ये एयर पोटैटो है, ये तो थोड़ा सा कड़वा रहता है और पोटैटो के बदले में इस ये डायबिटीज़ को चलता है।
ये ट्यूबर है। अच्छा, तो यहाँ पे ट्यूबर्स लगाए ज़्यादा करके। अभी और दूसरे अभी दूसरी फसल यहाँ पे मिर्ची है, हल्दी है, ट्यूबर है, तो तीन फसलें तो यहाँ पे हो गई। और एक ऊपर बढ़ रहा है, एक नीचे बढ़ रहा है, एक बाजू में बढ़ रहा है, और इससे ज़मीन एंटीबायोटिक बन रही है, सॉइल अच्छी हो रही है। ये मुझे बारिश में ज़्यादा जो निकल सकते हैं वो दे रहा है, और ज़मीन अच्छी कर रहा है, क्योंकि ट्यूबर, हर एक ट्यूबर ज़मीन अच्छी करता है। तो 7 साल में हमें पैसा मिलने की सुविधा चालू हो गई, और काफ़ी चीज़ें घर की, चावल अच्छा होने लगा। फिर वो चावल का तजुर्बा, कैसा लगाना है, कब लगाना है, उसको खाद क्या डालना है, ज़मीन की उर्वरकता बढ़ने लगी। तो एक वक्त ऐसा आ गया कि मेरे तहसील में मेरा दूसरा नंबर आ गया चावल के प्रोडक्शन में। और वो पहले साल में जो हमें 70 किलो मिला था, 60 गुंठा यानी 11 किलो पर गुंठा, उसका हमें गुंठे को आया 67 केजी। तो आज भी महाराष्ट्र की जो उत्पादकता है वो 22 केजी है। तो फिर हमें उसका अच्छा, अरे बहुत अच्छा हो रहा है। और तभी तो अच्छा उत्पादन लेना, अच्छी क्वालिटी के लेना, और तभी महाराष्ट्र में हाइब्रिड राइस आ गया। तो हाइब्रिड लगा के देखेंगे, तो हाइब्रिड लगा के देखने के बाद काफ़ी झगड़े हो गए लोगों के साथ काम करने वाले, बोले लगाएंगे नहीं, एक लगाना है मर जाने वाला है, आपका नुकसान हमें नहीं चाहिए। तो समझा समझा के आधा दिन तो समझाने में गया कि चावल नहीं लगाना है, ये ऐसे सिस्टम से नहीं लगाना है। फिर जब फसल निकल आ गई उभर के, तो सब चेंज हो गए, बोले नहीं यही अगले साल से लगाना है। तो उसकी बाली बड़ी, चावल अच्छा, और आजू बाजू के लोग देखने को आने लगे। दूध का भी चालू था, केले लगाए थे तो केले चालू हो गए थे, पपाया लगाए थे, आम के साथ पपाया लगाए थे, थोड़ा थोड़ा इंटरक्रॉपिंग करते थे। तो उसके साथ में हमारे घर की ज़रूरतें भी पूरी होने लगी और बेचने को भी होने लगा। ये इसी ग्रीन वॉल हम बना रहे हैं। ग्रीन वॉल, ओके। तो ज़मीन से लेके इस कंट्रोल्ड टेम्परेचर, अब इसके रेडी माइक्रो क्लाइमेट इन द फार्म, ज़्यादा करके जो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और उसकी वजह से फसल कम आती है, तो ये रिलीज़ उसके रेस्पिरेशन से हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी, अभी यहाँ आने के बाद ठंडा लग रहा है आपको, ठंडा है, तो वो टेम्परेचर भी बाहर से हमारे यहाँ पे 4 से 5 डिग्री कम रहता है, और ह्यूमिडिटी 10 से 15 ज़्यादा रहती है, तो उसकी वजह से पोलन ज़िंदा रहने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके वजह से अलग अलग पंछी, अलग अलग तितलियाँ, अलग अलग इंसेक्ट, ये डेवलप होने में हेल्प होता है। और ये सब होते होते तब तक हमारी ज़मीन हो गई थी 3.5 एकड़। तभी 2005 की बाढ़ आ गई, सभी जिले 2005, और हमने जो 15 साल मेहनत की थी वो सब एक रात में बह गई। तो टॉप सॉइल जो बनाई थी वो सब बह गई, 3-4 झाड़ मर गए, इन्वेस्टमेंट जो फेंसिंग थी, बोरिंग की थी, वो डूब गई, और काफ़ी बड़ा सेटबैक बैठ गया उसको। और इसके बीच में 93 में मैंने जॉब छोड़ दिया, कि ये ध्यान में आ गया कि भाई खेती और नौकरी दोनों नहीं कर पाएंगे, तो एक के ऊपर हमको डट के रहना है। तो घर वाले बोले ठीक है तू नौकरी छोड़ दे और हम तेरे को इकोनॉमिकल सपोर्ट करेंगे 5 साल तक। और कितना खर्चा आता था, 20 रुपया लेबर था, और एसटी रेलवे काफ़ी सस्ता था, तो उसमें हो जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि हम जो सब्जी लगाते थे वो बेचते थे, और इसमें जो फसल का उत्पादन का मूल्य है और फसल बेचने का जो रेट है, उस वक्त हम बरबट जो होती है चवड़ी काउपी, वो सब्जी की लगाते थे, और तभी डोंबली में लेके जाके बेचते थे। यहाँ से 30 किलोमीटर डोंबली है, तो मैं वहाँ पे रहता था, तो वहाँ पे मार्केट था, तो उस वक्त उसका रेट था 10 रुपया केजी, और मेरे लेबर कॉस्ट था 20 रुपया। डोंबली से यहाँ आने को जाने को ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपया लगता था, और 10 रुपये को 24 सेंग बेचे जाते थे।
2005 तक सवी की सेंग की कीमत 10 रुपये रही, आने जाने को 40 रुपया लगने लगा और लेबर 200 रुपया हो गया, जो 20 रुपया था वो 200 रुपया हो गया। और उस वक्त मूँगफली चवई के सेंग से हमें ध्यान में आ गया कि अरे भाई नाइट्रोजन फिक्सर है, ज़मीन भी अच्छी हो रही है। तो प्लानिंग करते वक्त पहले लॉन्ग टर्म, उसके बीच में मीडियम टर्म और उसके बीच में सीजनल, ऐसे करते आए थे। और तभी से पहले जो हमने किताबें पढ़ी थी तो उसमें से दो किताबों का, जैसे मैंने दिलीप कुलकर्णी का कहा, वैसे और दो लोग थे जिनका मुझे काफ़ी प्रभाव पड़ा। उसमें से एक थे दाभोलकर जी, तो उनका प्रयोग परिवार करके उनके कंसेप्ट थी, और उन्होंने ये कहा था कि एग्रीकल्चर इज नथिंग लेस एल्स बट हार्वेस्टिंग द सनलाइट, बस सूरज की रोशनी हमें इकट्ठा करनी है, फिर उसका कन्वर्शन हम फूड में करेंगे, उसका कन्वर्शन हम मेडिसिन में करेंगे, उसका कन्वर्शन हम टिम्बर वुड में करेंगे, फायरवुड में करेंगे, ग्रीन मैन्यूअर में करेंगे, वो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए करेंगे, फॉर दी बर्ड्स एंड इंसेक्ट करेंगे, फॉर दी कंजर्वेशन ऑफ सॉइल करेंगे। तो ये सब कैसे करेंगे, तो वी क्रिएट दी बायोमास एंड बायोमास कन्वर्ट इनटू ऑल दीज थिंग्स। और दूसरा एक था पुणे के ही एक थे प्रकाश गोयल जी करके, तो उनकी वहाँ पे एक एनजीओ आज भी है, इकोलॉजी फाउंडेशन, तो वहाँ पे वो कोर्सेस लेते थे कि इकोसिस्टम क्या है। और उनके किताब में उन्होंने लिखा था कि इन द रेन फॉरेस्ट एक क्यूबिक मीटर में 2 किलो 400 ग्राम फूड बनता है, वो पंछियों का होगा, आदमी का होगा, किसी का भी होगा, विदाउट इनपुट। और विद ऑल इनपुट्स एग्रीकल्चर में 600 ग्राम बनता है। ऐसा क्यों होता है? तो एग्रीकल्चर में दे आर यूजिंग इन स्क्वायर मीटर एंड फॉरेस्ट क्रिएट इन स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर। तो क्या हम क्यूबिक मीटर में खेती कर पाएंगे? तो दाभोलकर जी और गोळे जी और साथ में उसका पोषण मूल्य बढ़ाने के लिए पाड़ेकर जी और सावी गुरु जी, ऐसे कॉम्बिनेशन करके हमने यहाँ पे हमारी ज़रूरत के अनुसार एक मल्टी लेयर मल्टी क्रॉपिंग की सिस्टम चालू की। वो सब बह गई बारिश में, फिर से चालू करो, और फिर से चालू करते वक्त ज़मीन भी गई। तो देर इज़ अनदर बिग चैलेंज कि पहले तो मिट्टी थी, भले बंजर होने दो, बाद में उसमें रेती आ गई, अभी रेती में कैसे करेंगे? तो फिर से चालू किया। आपके वर्कशॉप में कोई ऐसे लोग आते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जो 20 को लेकर काम कर रहे हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर को समझना आते हैं ना? क्योंकि 20 के लिए जो काम कर रहे हैं उनको और क्या क्या है उसकी जानकारी होने की ज़रूरत होती है, और सिर्फ 20 काम नहीं करता है, तो 20 वन पार्ट ऑफ सिस्टम, करेक्ट। तो ये जो सिस्टम क्या है वो जानकारी की उनको ज़रूरत होती है, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता है, और ऐसा कुछ हो सकता है उनको मालूम नहीं, क्योंकि उनका फॉर्मल एजुकेशन जो है वो अलग है ट्रू, और उनका नेचर से ताल्लुक कुछ नहीं है, रिलेशन ही नहीं था आज तक। तो फिर रिलेशन जब डेवलप हो जाता है तो उनको अरे ये भी करना चाहिए, करेक्ट। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है सब जगह पर इंटीग्रेटेड सिस्टम ही काम करेगी ना। सौभाग्य से हो गया, उसके लिए 5-10 साल लगे, और यहाँ पे धीरे धीरे ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गई कि मल्टीपल क्रॉपिंग सब में, चावल छोड़ के सब में चालू हो गया। और यहाँ की हमारी नीड्स 70% खेती से होने चालू हो गए। फिर तब तक ये जो मॉडल था कि फॉरेस्ट से लेके फूड तक, तो हमारे यहाँ पे राइस से लेके ब्लैक पेपर तक और नारियल से लेके चावल तक सब होने लगा। तो ऐसा मॉडल था नहीं, आज भी बहुत कम है, कि सोशल फॉरेस्ट्री भी है, खेती भी है, वाटर कंजर्वेशन भी है। तो वो ज़रा अच्छा लोगों को लगा, गवर्नमेंट को अच्छा लगा, फिर मुझे 2013 का ऑर्गेनिक कृषि भूषण वो किताब मिल गया। और उस वक्त तक
जब ये बाढ़ आ गई थी तो पैसा कहाँ से लाएंगे, तो हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर अजीत गोखले, तो उनकी वजह से दो एनजीओ में मैं एग्रोबेस रूरल कंसल्टेंट करके लग गया और उसमें से कुछ ना कुछ इनकम चालू हो गया। तो उसमें से हफ्ते में एक दो दिन जाते थे। फिर वो सब होने के साथ लोगों को बताने का तरीका आ गया और उस वक्त ये ध्यान में आ गया कि अरे लोगों को सीखना है लेकिन सीखने के लिए जगह नहीं है, कहाँ सीखेंगे।